हमनी के भेष, हमनी के भाषा, सब भारत के, हमनी के संस्कृति सब भारत के लोग से मिलेला। अब उस संस्कृति हमनी मानते नहीं, हमनी इंडियन हो गई नहीं सर। वही लोग जो नहीं आदमी कहला वो भी पूजा पाठ आ मरण हरण में वे धोती या कुर्ता लगा के अपन सब काम करेला। तो वो चीज़ खाली याद करेगा हम लोग का अनुरोध करें कि वो लोग के पूर्वज जो करत आइल बा उ चीज़ के याद कर ले। यहाँ धोती कुर्ता लगा लेनी तो हम इंडियन हो गई नहीं, और वहाँ धोती कुर्ता लगा के केहू अपन पूजा पाठ आ मरण हरण के काम करता तो खाती नेपाली हो गई से बात नहीं के। नेपाली कपड़ा आ पोशाक से ना, चेहरा के रंग से ना, हृदय से होके के पड़ेला, मन में नेपाल होके के चाहिए, छाती में नेपाल होके के चाहिए। जय श्री राम। We're gonna make it.
परिषद के अध्यक्ष संतोष आनंद। ये अपने के बीरगंज में अब आरती के सिलसिला शुरू हो गया, का है इकावा की आरती पहले भी होते रहे मगर महागंगा आरती कह के बीरगंज में एगो ट्रेंड ना रहा, मगर कुछ दिन पहले हमनी के रामनवमी के उपलक्ष में गवा मंदिर में भी भइल और आज हमनी के हनुमान मंदिर में भी महा आरती भइल। काबा कि अब आवेला दिन में और जौन नया जनरेशन के भी लोग बा, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल बा और हर आदमी अपना धर्म के प्रति जागरूक हो रहा, आदमी बढ़ चढ़ के भाग लेता और आरती के कार्यक्रम काबा कि जम्मा अपने के आधा घंटा से लेकर 45 मिनट के कार्यक्रम बा। इस कार्यक्रम में हर आदमी एगो उत्सव के रूप में, एगो पर्व के रूप में, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो कम से कम हमनी अपन धर्म में जौन घर में पूजा पाठ करता नहीं सन तो काबा की कोई दिक्कत नहीं के, वो एगो आंतरिक रूप से होता, मगर ये जौन गंगा आरती बा काबा की एगो सब लोग सामूहिक रूप से एक अर्का से श्रद्धा के साथ और हर आदमी सब परिवार में स्वस्फूर्त रूप से सहभागी होने के तुलना में अब अपना धर्म के प्रति लोग जागरूक हो रहा बा और ये अच्छा बात बा सनातन खातिर, हिंदू राष्ट्र खातिर और हमनी के देश ये भी सनातन के लिए उद्गम स्थल है और ये सब लोग खातिर अच्छा बा। ये आरती से भी एगो संदेश मूलक आरती बा और ये आरती से हमनी के ये कामना करता नहीं कि संपूर्ण नेपाली लोग के सुख शांति और समृद्धि हो। कहीं बीरगंज के मुस्लिम समुदाय लोग तक भय के माहौल बनते जा रहा बा, त्रसित बा लोग कि हिंदू लोग के जौन प्रभाव बा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा बा, हिंदुत्व के प्रभाव बा जौन बढ़ रहा बा, इसे अपने के आपसी सद्भाव खलबलाए के संभावना देखत नहीं कि नहीं देखो। देखिए अगर मुस्लिम समुदाय हिंदू के कार्यक्रम से त्रसित होता तो ये बिना काम के त्रसित वाला बात बा। अगर कोनो भी जुलूस भइल, आज हजारों के तादाद में रामनवमी में जुलूस हो को या आरती हो को, कोनो भी आज मेन रोड के दुकान में देखी हिंदू के भी दुकान बा मुस्लिम के भी दुकान बा, कोई कोनो किस्म के गलत हरकत नहीं के कर, तो बिना काम में भय होके के भी आवश्यकता नहीं के। आज मुस्लिम लोग के भी जब पर्व होता तो वो लोग भी रोड में नमाज पढ़ते बा अपने के, तो आज आधा घंटा एक घंटा के अगर आरती होता तो मैं भय के कोनो माहौल लेके और बीरगंज में कोनो किस्म के सद्भाव बिगड़ लेके। साल में एक ही बार हुई अपने के कि अपने के महीना में हफ्ता में भी आरती हुई नहीं? गंगा आरती जौन बा एकर तैयारी में थोड़ा सा विशेष किस्म के समय भी लागेला, तो ये जहाँ जहाँ आवश्यकता बाटे वहाँ वहाँ ये अभी नियमित रूप में चली, हर जितना भी मठ मंदिर बा अपने के पर्सा जिला में जितना जगह ओलझेल में पड़ल बा सब जगह में स्थानीय लोग के कहा कि गंगा आरती खाली बाहर से जाके कर दिला से नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग के भी स्वस्फूर्त रूप से उनमें भाग ले। शनिवार के कार्यक्रम का बा शनिवार काबा कि हमनी के जौन आज हनुमान जी के आज जौन जन्म उत्सव रहा, तो काबा कि आज नेपाल सरकार या स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकार विदा ना देले रहा, तो के चलते शनिवार के दिने एगो भव्य रूप से सब हिंदू समाज एगो सहभागी हो के हनुमान जी के हमनी मानता नहीं सन, हर आदमी पूजता नहीं सन, तो एगो शनिवार नेपाल में छुट्टी के दिन है, छुट्टी के दिन के सदुपयोग करते हुए सब लोग ओमे स्वस्फूर्त सहभागी होकर जाओ, सब लोग जय श्री राम के नारा लगाओ, ऐसे एक के चलते शनिवार के 3 बजे घंटाघर में सब लोग जमा होके एगो हनुमान जन्म उत्सव जौन बा ओकरा में हमनी के सहभागी होकर जाओ, एक करके एगो ओसे भी एक किस्म के मैसेज है समाज में वो हिसाब से छुट्टी बा सब लोग में पार्टिसिपेट वही से शनिवार के राखल बा। नेकपा एमाले के नेता बने सुंदर प्रसाद कुर्मी आइया हमनी के जौन आरती के सिलसिला शुरू हो गए, अपने कैसे लग रहा है? बाबा पर बढ़िया बा, एगो धर्म के जागरण जागृत कर जाता, धर्म के प्रति जितना लोग के आस्था रहा वो आस्था के उजागर करे वाला काम ही एगो नेपाल हिंदू परिषद कैले बा, एकदम सराहनीय एकदम बढ़िया बात। ऐसे मतलब अपने के धर्म बढ़ी घटी ना, धर्म के प्रति के आस्था बढ़ी। अच्छा। धर्म के प्रति के जौन आस्था लोग के भीतर लुकाइल रहा वो आस्था अब जागृत हो गए, वो आस्था अब सब कोई के मिलाई मान के चल। ऐसे हिंदू मुस्लिम के यहाँ कोनो सद्भाव खलबलाए के अपने अवस्था देखते हैं? कोनो में सद्भाव खलबलाए के अवस्था नहीं है, मुस्लिम लोग अपन मोहम्मद डे लगाए तो अपन पर्व त्यौहार में अपन किस्म के जुलूस निकलबे करेला, हिंदुत्व लोग में भी एगो हिंदू लोग में भी एगो अपन धर्म के प्रति श्रद्धा आइल बाटे, महावीर जी के दुर्गा माता के जौन एगो महाआरती के रूप में जौन एगो खाली भारत में मात्र मनावल जाता रहा अभी परम्परा इस सिलसिला नेपाल में शुरू कल बा, एमे केहू के कोनो धर्म समुदाय के लोग के डेराए के अथवा विचलन होके के बात नहीं है। पहला लोग बहुत इंडिया के जौन रीति रिवाज कल्चर बा मदे सतराई के लोग कॉपी करे बा, ओकर नतीजा आगे ज़्यादा ही धर्म में संस्कृति में ज़्यादा कहे वाला लोग ये चीज़ बुझल ही नहीं। महावीर मंदिर के आरती में ज़्यादातर यंगस्टर लोग यानी कि युवा लोग का सहभागिता रहा,
युवा लोग के आरती में ध्यान कम बा, सेल्फी में या वीडियो में ज्यादा बा। सोशल मीडिया के जमाना बा, हम जौन काम करते नहीं के नहीं सोशल मीडिया में जाओ अपने जौन अंतर वार्ता लेते नहीं के नहीं बेसी लोग सोशल मीडिया में तो अपना आपके दिखावे के एगो बढ़िया मौका हो। हम अपने धर्म प्रति इतना सजग बानी ये भी चीज दिखावे के एगो अवसर है, वो अवसर के लोग प्रयोग करता। लेकिन पूजा पाठ के बेरा भी तक मोबाइल के तक कम प्रयोग कर लेते कैसे रहे? पूजा पाठ करे के बेरी तो स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ करे पहले पूजा करी भगवान के ध्यान करी आरती कली, आरती कैले के बाद वो अपन जाके सोशल मीडिया में केंगे हमारा हाईलाइट हो गए वो काम कर। जय श्री राम।